तो आज हम बात करने वाले हैं एकदम सर्वोच्चतम स्तर की प्रतियोगिता के बारे में, जिसमें श्री श्री परम पूजनीय 108 सैगी जी के परम भक्तों ने प्रस्तुति देकर इस प्रतियोगिता की शोभा तो बढ़ाई ही थी, साथ ही साथ में इनके प्रबंधनकर्ता ने अपनी भव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस प्रतियोगिता की पवित्रता में और चार चांद लगा दिए। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अंडरडॉग्स के लिए सबसे ज्यादा इंसाफपूर्ण प्रतियोगिता ESPL के वीडियो में। और पता है इनके पोस्टर पे जो 1 करोड़ लिखा है ना, ये इनका प्राइस पूल नहीं है, ये इतने लोग हैं जिनका इन्होंने बेवकूफ बनाया है अंडरडॉग्स के लिए लैन इवेंट के नाम पे। तो वैसे तो ये लोग सपने दिखाएंगे आपको लैन इवेंट में ले जाने के लिए, इनविटेशनल टीम्स के अगेंस्ट कंपीट कराएंगे, बड़े बड़े टीम्स को इनवाइट देंगे, 1 करोड़ का प्राइस पूल दिखाएंगे, लोको जैसे रेप्यूटेड और बड़े प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीम कराएंगे मैचेस की। लेकिन जिन अंडरडॉग्स ने टूर्नामेंट खेला उन्हें ही पता है कि उनकी भी वैल्यू इस टूर्नामेंट में इतनी ही है जितनी तुम्हारे गेम प्ले में फ्लैश ग्रेनेड की होती है, क्योंकि इन्होंने अपने राउंड 1, 2, 3 में जो किया था वो तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता ही दिया है। लेकिन इस बार इन लोगों ने हद ही पार कर दी, इस बार इन लोगों ने सारी उम्मीदें पार कर दी जहां पे हम लोगों ने सोचा था कि इससे ज्यादा ये अनजस्टिफाइड टूर्नामेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप सबसे पहले देखो तो इन्हीं के डिस्कॉर्ड सर्वर में, इन्हीं के रिजल्ट्स वाले चैनल में इन्होंने रिजल्ट डाल रखा था क्वार्टर फाइनल का, जिसमें से टॉप 4 टीम्स ही क्वालिफाई होनी थी और जो सेंसेट ई-स्पोर्ट्स है ये नंबर 7th पे थी। तो जो टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में एलिमिनेट हो चुकी है, क्वालिफाई कर ही नहीं पाए, उसी टीम को आगे का जो इनविटेशनल क्वालिफायर्स होता है उसमें स्लॉट दे दिया जाता है और वो मजे से खेलती है। अब ये जो स्क्रीनशॉट है आप लोगों के सामने, ये क्वार्टर फाइनल का है जिसमें ये लोग सनसेट ई-स्पोर्ट्स से खेल रहे थे अंडरडॉग्स के अगेंस्ट में, बट जब यहां पे एलिमिनेट हो जाते हैं तो इन लोगों को इनविटेशनल क्वालिफायर्स में इनविटेशनल टीम्स के साथ में स्लॉट दे दिया जाता है। बट क्योंकि पिछली बार इनका नाम सनसेट ई-स्पोर्ट्स था, इस बार ये लोग सनसेट गेमिंग के नाम से आ जाते हैं और इसमें भी सेम बंदे खेलते हैं जो पहले क्वार्टर फाइनल्स में खेल रहे थे। और जब मैंने इनके मैनेजमेंट से जाके सवाल किया कि सनसेट ई-स्पोर्ट्स को फिर से स्लॉट कैसे मिला, तो इन लोगों का कहना था कि जो BMPS के फाइनलिस्ट थे उन लोगों को इन्होंने इनवाइटेड स्लॉट्स में रखा हुआ था। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये कि BMPS के फाइनल्स में तो सनसेट ई-स्पोर्ट्स थी ही नहीं, तो उन लोगों को स्लॉट कैसे मिला? और दूसरी चीज ये कि अगर आपको इनविटेशनल स्लॉट ही देना था तो फिर क्वालिफायर्स में उन लोगों को क्यों खिलाया? उनकी जगह कोई और अंडरडॉग खेल सकता था, उनका स्लॉट खाना क्यों जरूरी समझा आप लोगों ने यहाँ पे? और पता है ये केवल एक ट्रेलर था, पूरी की पूरी पिक्चर अभी बाकी पड़ी है। इन लोगों ने ऐसी चीज केवल सनसेट ई-स्पोर्ट्स के साथ नहीं करी है, ये चीज इन्होंने टोटल डिस्ट्रक्शन नाम की टीम के साथ में भी करी है, जिनको इन्होंने पहले स्लॉट दिया नॉर्मल क्वालिफायर्स में। यहाँ जो सनसेट ई-स्पोर्ट्स दिख रहा है उसी के जस्ट ऊपर टोटल डिस्ट्रक्शन भी दिख रहा होगा, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल में। अब फिर इन्होंने किसी रीजन के साथ में इन लोगों को फिर से स्लॉट दे दिया इनके रीमैच वाले क्वालिफायर्स में, जिसमें इनके साथ साथ वो वाली टीम थी जिनके साथ में प्रॉब्लम्स हुई थी, जिनके मैचेस में हैकर आ गए थे। लेकिन इन सबके बाद में भी इनकी पोजीशन देखो, टॉप 10 में भी नहीं, 22 आती है, 24 में से 22 ही पोजीशन आती है, उस सबके बाद में भी इनको आगे इनविटेशनल क्वालिफायर्स में स्लॉट दे दिया जाता है। क्यों? गेस कीजिए। क्योंकि ये बंदे होते हैं अंतर्यामी के टीममेट्स, जो अंतर्यामी गेमिंग है जिनकी कॉम्पिटिटिव टीम है नेडेक्स के नाम से, उसी टीम के ये बंदे होते हैं और उनको नेडेक्स में ही क्वालिफायर्स में स्लॉट मिल जाता है इनविटेशनल के। और यहाँ पे प्लीज गाइस अंतर्यामी गेमिंग को बिल्कुल भी हेट मत देना, यहाँ पे सारा फॉल्ट मैनेजमेंट का है, वो आप आगे भी देखोगे। यहाँ पे मैनेजमेंट जो है इनका एकदम करप्ट है, वो चाहता है इन लोगों को वॉचिंग ज्यादा मिले, इसलिए बार बार बहाने ढूंढ रहा है बड़ी बड़ी टीम्स को बार बार स्लॉट देने के लिए, जिससे कि वो या तो खुद से क्वालिफाई कर जाए और नहीं कर पाएंगे तो इनको अलग तरीके से इन्वाइट कर दिया जाएगा। तभी इन्होंने बहुत सारे क्वालिफायर्स रखे हैं, इन्विटेशनल क्वालिफायर्स अलग चल रहा है, इनका स्ट्रीमर शोडाउन अलग चल रहा है, और इसमें अगर अंतर्यामी का हाथ होता तो वो खुद भी अपनी टीम से खेल रहे होते। लेकिन यहाँ पे नेडेक्स को केवल स्लॉट चाहिए था, इनके प्लेयर्स को केवल स्लॉट चाहिए था ESPL में, इसलिए इनके प्लेयर्स ही खेलते रहे पहले टोटल डिस्ट्रक्शन के नाम से और फिर जब उसमें इनसे क्वालिफाई नहीं किया गया तो नेडेक्स के नाम से। और इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल तो ये भी है कि इन लोगों का कहना है कि जो BMPS के फाइनलिस्ट हैं उन लोगों को इन्होंने इनविटेशनल क्वालिफायर्स में स्लॉट दिया है, लेकिन नेडेक्स की टीम भी कहीं पे भी BMPS के फाइनलिस्ट में नहीं थी। और इनके मैनेजमेंट से जब एक बंदा सवाल करता है कि इन लोगों को इनविटेशनल क्वालिफायर्स में क्यों स्लॉट दिया गया, तो इनके मैनेजमेंट कहती है इनकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है इसलिए दिया जाता है। तो जब ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में नेडेक्स की कहीं पे परफॉर्मेंस नहीं है तो कौन से टर्म्स में आप परफॉर्मेंस देख रहे हो? और अगर परफॉर्मेंस देख ही रहे थे तो जब टीम टोटल डिस्ट्रक्शन के नाम से सेम बंदों ने खेला और उनकी पोजीशन 22 आ रही है 24 टीम्स में से, तो फिर कौन सी परफॉर्मेंस आप लोग देख रहे हो? और अगर इनवाइट देना ही है तो फिर क्वालिफायर्स में उन लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है, अंडरडॉग्स के स्लॉट क्यों खाए जा रहे हैं? और अगर स्ट्रीमर शोडाउन के नाम से आपने अलग मैच करा रखे हैं तो स्ट्रीमर शोडाउन में दोनों कंटेंट क्रिएट
फाइटर्स को आप स्लॉट, तो पहले अंडरडॉग के स्लॉट की जगह इन लोगों को खिलाना भी है, फिर उनको फालतू में रीमैच भी दे देना है, फिर उनको दोबारा से स्लॉट भी दे देना है, वो भी इनविटेशनल क्वालिफायर्स में, वो भी तब जब इनविटेशनल क्वालिफायर्स का क्राइटेरिया है वो टीम्स जो बीएमपीएस के फाइनल्स में थी, और उसमें भी जब इनका स्ट्रीमर शोडाउन का अलग से मैचेस चल रहे हैं, तो फिर उसमें स्लॉट दिया जाना चाहिए ना कॉन्टेंट क्रिएटर्स को। यही नहीं, अभी और सुनिए, इनके इन्विटेशनल क्वालिफायर्स में ये ड्रैगन ईस्पोर्ट्स का तो नाम आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये यार कुछ जाना पहचाना सा नाम दिख रहा है। अच्छा, ये तो वही टीम है ना जो टीम 247 से BGIS खेली थी, और हैकिंग और कार्डिंग दोनों के एलिगेशन इन लोगों के ऊपर लगे थे, और लाइव इनका बंदा बैन भी हुआ था। जिनको भी इनके अगेंस्ट में प्रूफ चाहिए हो ना, एक बार मेरी यही वाली वीडियो खोल कर देख लेना, पता चल जाएगा। तो ये वही वाली टीम है जिनके ऊपर हैकिंग के एलिगेशन लगे थे, लाइव बंदा बैन हुआ था, उसको 1 करोड़ के इवेंट में इनवाइट मिल जाता है, और इनके मैनेजमेंट की तारीफ तो इस बात पे भी होनी चाहिए है कि जो टीम ट्रू रिपर्स हैं, इनके फ्लिक को ये प्लेयर ऑफ द डे के नाम से अपने पोस्ट पे अवार्ड भी करते हैं। ये पोस्ट करते हैं उनके नाम का कि उसने 29 किल करी, और मजे की बात यह है कि उसी दिन ट्रू रिपर्स ने पूरे टोटल किल भी 29 ही किए थे, मतलब 29 में से 29 किल इस बंदे ने करे हैं। और भी ज्यादा मजा तो ये देख के आता है कि इन्हीं के लाइव स्ट्रीम में उसी दिन के मैचेस में ही इन्हीं की टीम का एक बंदा है रिवर्स, जो एक बंदे को नॉक करता है और फ्लिक उसको बस फिनिश कर देता है, तो कायदे से उसका फिनिश पॉइंट तो रिवर्स को जाना चाहिए था ना, और ये किल का घपला हो जाता है और वहीं पे बंदे को अवार्ड भी दे दिया जाता है। और क्या पता इसी तरीके से जो टॉप फ्रैगर का या फिर मोस्ट फिनिश पॉइंट का जो रिवॉर्ड होता है वो भी किसी भी बंदे को दे दिया जाए। और जिस पॉइंट पे आप लोगों को लगे ना कि ये गिर चुके हैं, इससे ज़्यादा करप्ट, इससे ज़्यादा घटिया टूर्नामेंट नहीं हो सकता है, यहाँ पे अपने स्पॉन्सर्स को भी ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, वहीं पे ये गलत प्रूफ करने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि इन लोगों ने क्या करा, जो सेमीफाइनल्स थे, इनके फॉर्मेट में सेमीफाइनल्स के 6 मैचेस होने थे और 3 दिन राउंड रॉबिन मैचेस होने वाले थे इन सब के, लेकिन वो सारे के सारे मैचेस ये एक ही दिन में निपटा देते हैं, और उसमें भी रात के 2 बजे स्लॉट लिस्ट डालते हैं और बोलते हैं इन इन टीम्स का मैच है, और सुबह 12 बजे से ही मैच स्टार्ट कर देते हैं। जिन लोगों ने देख लिया, जिन लोगों ने खेल लिया, उन्होंने खेल लिया, बाकी सब गए तेल लेने। और उसमें भी सबसे बढ़िया बात यह है कि इन्होंने डिसाइड किया था कि इनके सेमीफाइनल्स में 6 मैचेस होने वाले हैं और उसमें 24 टीम्स होंगी, और ये अपने ही मर्जी से उन 24 टीम को 32 टीम कर देती हैं, क्योंकि इन्होंने जिन लोगों को पहले रीमैच कराए थे उन लोगों का इनको स्पेशल ग्रुप बनाना था। पर उन्होंने क्या करा, इन्होंने 24 टीम्स की 32 टीम तो करी, लेकिन जो टीम आगे जाने वाली थी, जो क्वालिफाई करके 16 टीम होने वाली थी, उनको 16 ही रखा। मतलब टीम इन्होंने बढ़ा दी, पहले 32 टीम का कंपटीशन कराया, लेकिन जो क्वालिफाई करने वाली टीम थी उनको सेम ही रहने दिया। जो अंडरडॉग से उनका कॉम्पिटिशन इस तरफ बढ़ता रहा, और उसमें भी लोगों ने कहा कि आप जो 4 मैचेस करा रहे हो, 4 की जगह बस 6 करा दो, हम लोगों को थोड़ा सा एक फेयर चांस दे दो, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। और मैंने खुद भी जब इन लोगों से पर्सनली बात करने की कोशिश करी इन सब चीजों के ऊपर, तो ये केवल मेरे मैसेजेस इग्नोर कर रहे हैं, मुझे भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो टीम का तो क्या कर रहे होंगे आप समझ ही सकते हो। तो कुल मिलाकर यार मैं यही कहूंगा कि अगर 1 करोड़ के टूर्नामेंट का ये हाल है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो आगे चल के तो क्या होने वाला है, और जो छोटे टूर्नामेंट्स हैं उनमें क्या होता होगा। 1 करोड़ रुपए में एक नॉर्मल इंसान की पूरी जिंदगी तक कट सकती है, और इतने बड़े टूर्नामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ESPL वालों के मैनेजमेंट के पास में है तो इनको इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, बट ये इस चीज की जगह उसको अब्यूज कर रहे हैं। पूरी तरीके से अपनी वॉचिंग बढ़ाने पे इनका फोकस है, और जितनी इनको लाइमलाइट मिल सकती है उतना ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरडॉग्स की कोई भी बात यहाँ पे नहीं सुनी जा रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो स्पॉन्सर्स हैं, जो अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं, वो मैनेजमेंट वालों से सवाल करें, और अगर इस चीज का सही से जवाब नहीं मिलता है तो इस टूर्नामेंट को यहीं बंद कराया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मजाक हो रहा है हम सबकी फीलिंग्स के साथ में। इसके अलावा आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और गेम पास को जरूर से चेकआउट करना। बाकी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।